ठीक है। तो भाई अभी तक हमने ड्यू 2016 के 40 क्वेश्चन देख लिए थे, और क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में वो हमसे पूछ रहा है कि साइक्लेमेट एंड आर्टिफिशियल स्वीटनर क्या है। साइक्लेमेट है जो एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ साइक्लोहेक्सैलामाइन। साइक्लोहेक्सैलामाइन क्या हो गया, दैट इज साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ NH2, दैट इज साइक्लोहेक्सैलामाइन, ठीक है। एंड क्लोरोसल्फोनिक एसिड, क्लोरोसल्फोनिक एसिड क्या होगा, Cl, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, दैट इज क्लोरोसल्फोनिक एसिड हो गया, ठीक है। बी प्रिपेयर बाय द रिएक्शन ऑफ क्लोरोहेक्सैलामाइन एंड क्लोरीन, फॉलोड बाय द ट्रीटमेंट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, विच इज स्ट्रक्चर ऑफ द साइक्लेमेट। साइक्लेमेट का स्ट्रक्चर पूछा है, वैसे तो मैं डायरेक्टली बता दूं कि साइक्लेमेट का स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लेमेट, NH, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये सोल्डर का O माइनस Na प्लस, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोमेट, दैट इज A। पर इसकी रिएक्शन भी करके देख लेंगे तो ये हो जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ से ये रिंग साइक्लोहेक्सेन की ऐसी रहेगी, एन एच एच, ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ S, O निगेटिव, डबल बॉन्ड O, और इससे जुड़ा हुआ Cl है और जुड़ा हुआ OH, O वापस आएगा, Cl निकल जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या मिल जाएगा हमें, This N H S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH माइनस, ठीक है। अब इसकी NOH से रिएक्शन करके क्या बना देगा, ये सॉल्ट बना देगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को बेस OH माइनस क्या कर देगा, एब्स्ट्रैक्ट कर देगा, और ये बन जाएगा मेरा क्या, साइक्लेमेट आर्टिफिशियल स्वीटनर। तो 41 का आंसर क्या है, A है। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनरिएक्टिव टू NaBH4। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि NaBH4 से कौन सा रिएक्ट नहीं करेगा, हमको पता है NaBH4 LiAlH4 से थोड़ा सा कम रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो NaBH4 किसको रिड्यूस नहीं कर पाता, एस्टर्स को रिड्यूस नहीं कर पाता, और ये एल्डिहाइड और कीटोन को कर देता है, किसको कर देता है, एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस कर देता है, इन दोनों को कर देगा, तो जो एल्डिहाइड कीटोन होंगे उनको रिड्यूस कर देगा, जो एस्टर होगा उसको नहीं कर पाएगा। ए एल्डिहाइड है, एसिटोन एल्डिहाइड रिड्यूस कर देगा, बी एसिटोन है रिड्यूस कर देगा कीटोन है, सी क्या है, एस्टर है उसको रिड्यूस नहीं करेगा, तो इसका 42 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जबकि और डी क्या है, डी भी एक एल्डिहाइड ही है, ठीक है, बेंजाइल्डिहाइड, जिसको डी क्या कर देगा, NaBH4 रिड्यूस कर देगा बेंजाइल अल्कोहल में, ठीक है। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की, क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा है द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, कि इस कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप क्या है। देखो ये क्या है, O है, O से क्या लगा हुआ है, CH CH3, और इस C से लगा हुआ है क्या, एक O है। देखो ये जनरली क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से पूछा गया है फंक्शनल ग्रुप क्या है। देखो एक कार्बन है, अगर उस पे दो OCH3 ग्रुप लगे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम एसिटल, क्या बोलते हैं, एसिटल ग्रुप, ठीक है। अगर इस पर क्या एक साइड O, मतलब O के साथ CH3 हो या O के साथ PH हो, एक ही बात है, या O के साथ साइक्लोहेक्सेन हो, मतलब O के साथ H ना हो, एसिडिक हाइड्रोजन ना हो, प्रोटिक हाइड्रोजन के अलावा ग्रुप हो, मतलब C के अगर एक साइड OH लगा है, ठीक है, और एक साइड OCH3 या OPH लगा है, तो इसको बोलते हैं हम हेमी एसिटल, क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल ग्रुप, ठीक है। तो इसमें इस कार्बन पर, इस काइरल सेंटर पर एक के बाद तो ये लगा है OPH, O साइक्लोहेक्सेन लगा है, और एक साइड लगा है OH, तो मतलब ये तो हेमी बन गया, OH एक तो है, OH है, अगर दो OH लगते तो डाइहेल हो जाता, ठीक है, या क्या कार्बोहाइड्रेट ग्रुप का हो जाता, अगर OH और H होते तो। पर यहाँ क्या है, OH और OPH या OCH3 टाइप ग्रुप है, मतलब O मिथाइल, O प्रोटीन हाइड्रोजन को हटा रखा है इसने ऑक्सीजन से, तो दिस इज द हेमी एसिटल टाइप ऑफ ग्रुप, किस टाइप ऑफ ग्रुप है, हेमी एसिटल। तो 43 का आंसर क्या होगा, ए, दैट इज द टाइप ऑफ हेमी एसिटल टाइप ऑफ ग्रुप, जनरली हमें इसमें देखने को मिलता है इस टाइप में, जो हमारे किस्म होते हैं ग्लूकोज में, फ्रुक्टो ग्लूकोज वगैरह में एसिटल एंड हेमी एसिटल टाइप ऑफ ग्रुप, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 44 की, पूछ रहा है द ऑक्टेन रेटिंग ऑफ गैसोलीन रेफर्स टू इट, ठीक है। देखो ये तो याद करने वाले बात है, ठीक है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का है, ऑक्टेन रेटिंग ऑफ गैसोलीन रेफर्स टू इट्स, ऑक्टेन रेटिंग गैसोलीन रेफर्स टू इट्स, किसके लिए रेफर किया जाता है, टू रेसिस्ट
इंजन नॉकिंग, टू रेसिस्ट इंजन नॉकिंग, इंजन नॉकिंग को रोकने के लिए, टू या एबिलिटी टू रेसिस्ट इंजन नॉकिंग के लिए हमें क्या यूज करते हैं, ऑक्टेन रेटिंग ऑफ गैसोलीन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ऑक्टेन रेटिंग ऑफ गैसोलीन। तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, द कंपाउंड CFCl3 इज यूज्ड इन, CFCl3 किसकी तरह यूज्ड होता है। देखो CFCl3 का आपने नाम सुना होगा, CF दैट इज क्लोरो फ्लोरो कार्बन टाइप है बेसिकली, CFCl3 या बोल दो ट्राइक्लोरो फ्लोरोमीथेन है, ट्राइक्लोरो फ्लोरोमीथेन है। ठीक है, इसको हमने जनरली एसी या रेफ्रिजरेंट में देखते हैं, तो मतलब ये रेफ्रिजरेशन में काम आता है। तो दिस इज रेफ्रिजरेंट, क्या है, रेफ्रिजरेंट है बेसिकली, यही है। ओजोन लेयर के डिप्लीशन में भी इसका क्या रोल होता है, ओजोन लेयर के डिप्लीशन का कारण भी होता है। तो 45 का आंसर भी सिंपली डी है, ये भी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है, एन इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर मैटर डस्ट एंड स्मोक इन द एटमॉस्फेयर, ये भी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का है, मे रिजल्ट इन कूलर वर्ल्ड टेम्परेचर बिकॉज, बोल रहा है कि हमारे एनवायरमेंट में डस्ट और स्मोक, डस्ट क्या, डस्ट मतलब डस्ट धुआं और मिट्टी बढ़ रही है, वो हमारे एटमॉस्फेयर में का टेम्परेचर डिक्रीज करने का काम कर रहा है। ठीक है, क्यों ऐसा, इस ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके रीजन क्या है, ये भी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का रीजन है कि मोर सनलाइट इज अब्सॉर्ब्ड बाय अर्थ, कि कह रहा है कि सनलाइट को, देखो स्मोक और डस्ट सनलाइट को अब्सॉर्ब नहीं कर पाते हैं। ठीक है, दूसरा है द डस्ट रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन, नहीं रिफ्लेक्ट भी नहीं कर पाएंगे, सोलर रेडिएशन से तो कोई मतलब ही नहीं होता। बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी इज मोर आई आर इज एमिटेड, मोर आई आर इज एमिटेड इन टू स्पेस, ये याद करने वाले क्वेश्चन है, इसका क्या ही एक्सप्लेनेशन है, दैट इज 46 का आंसर इज बी, कि ज्यादा से ज्यादा आईआर इमिटेड हो रही है स्पेस की तरफ, किसकी वजह से, क्लाउड और डस्ट की वजह से, इसलिए टेम्परेचर क्या हो रहा है, कूलर हो रहा है। ठीक है, डस्ट रिएक्ट विद ओजोन इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर। ठीक है, और बात करते हैं 47 की। 47 की बात करूं तो बहुत पूछ रहा है पॉलीक्रिलोनाइट्राइल, ये BHU का भी क्वेश्चन है, नेट में भी पूछा गया है, इसका मोनोमर पूछता है जनरली, नाइट्राइल पॉलीक्रिलोनाइट्राइल कैरेक्टराइज बाय रिपीटिंग यूनिट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमर, मतलब इसका मोनोमर पूछा है, तो इसका मोनोमर क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CHCl। ठीक है, मतलब क्या क्या होता है, मैं बोलूं तो इसको प्रोपीन साइनाइड होता है बेसिकली, और इसको इसका किस तरीके का होता है, CHHCHCN इस तरीके रिपीटिंग यूनिट ये फॉर्म कर लेता है। ठीक है, तो 47 का आंसर क्या हो गया, मेरा डी हो गया, 47 का आंसर डी हो गया। और 48 क्वेश्चन नंबर की बात करता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 48 की अगर मैं बात करूँ तो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कुड नॉट बी प्रिपेयर टू यूज टू बी प्रिपेयर ग्रिगनार्ड रिएजेंट। देखो ग्रिगनार्ड रिएजेंट के बारे में आपने बात सुनी होगी कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट के बारे में पूछा है कि उसमें प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, तो हम हमेशा बोलते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट वहां प्रिपेयर नहीं जा सकता इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक हाइड्रोजन, प्रोटिक हाइड्रोजन के प्रेजेंस में ग्रिगनार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर नहीं किया जाता, नॉट प्रिपेयर इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक हाइड्रोजन। तो जहां भी प्रोटिक हाइड्रोजन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ी हुई हाइड्रोजन होगी वहां ग्रिगनार्ड प्रिपेयर नहीं कर सकते, ए में कर सकते हैं बी में भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होते हैं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन, ऐसे एटम से जुड़ी हुई हाइड्रोजन हो तो बेसिकली उसको प्रोटिक हाइड्रोजन बोलते हैं और उसकी प्रेजेंस में क्या नहीं किया जा सकता, ग्रिगनार्ड प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। बेसिकली बोल दूं तो मैं अल्कोहल फिनोल या क्या या कार्बोक्सिलिक एसिड इन सब की प्रेजेंस में क्या नहीं किया जा सकता, या अमाइंस की प्रेजेंस में, इनकी प्रेजेंस में ग्रिगनार्ड को प्रिपेयर नहीं कर सकता, प्राइमरी या सेकेंडरी की अमाइंस की प्रेजेंस में ग्रिगनार्ड को प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। तो यहाँ सिर्फ प्रोटिक हाइड्रोजन ऑप्शन नंबर सी में है, तो 48 के ऑप्शन नंबर सी ही होगा क्योंकि उसी में प्रोटिक हाइड्रोजन है, प्रोटिक हाइड्रोजन बनने के साथ ही ग्रिगनार्ड ना फॉर्म करके क्या कर लेगा, MgOHBr फॉर्म कर लेगा, जिदा की ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या होता है RMgBr, इसी तरीके
तरीके से तो है एल्गाइल MgBr, और अगर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में क्या फॉर्म कर लेता है बेसिकली ये क्या MgBrOH फॉर्म कर लेगा इस तरीके से, या प्रोटिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ये जैसे ही R माइनस बनेगा तो R तुरंत प्रोटिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके RH बनाता रहेगा, एल्केन फॉर्मेशन करता रहेगा। 12th का क्वेश्चन है, 12th में बाहर पढ़ाया जाता है, 12th NCERT का क्वेश्चन है, सच बात बोलूं तो 12th NCERT में भी गिरा है कि बार बार एल्कीन फॉर्म कर लेता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर भी, तो ग्रिगनार्ड प्रिपेयर नहीं हो पाता। ठीक है, आओ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 49 की बात करूं, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्लेसिंग फॉर द कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट में बताना है CH3 CH2OH CH3 COOH CO2 CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब देखो सबसे बढ़िया, हम रिडॉक्स में एक मेथड पढ़ा आपने कि सारे बॉन्ड को आयनिक मान लो, अगर वो क्या है हेट्रोडायटिक में। पहला इसको देखते हैं, ये 0-0 आएगा, कार्बन कार्बन बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन हाइड्रोजन में क्या कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कार्बन, तो कार्बन को -1, इसको +1, इसको +1, इसको -1, इसको +1, इसको -1, भले ही कंपाउंड कोवेलेंट होता है पर प्योर आयनिक बॉन्ड करते होते हैं -1, तो मतलब दोनों कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी कितनी है -2 है। आओ अगला दिया है CO2, CO2 में कितनी होती है सबको पता है, CO2 में कार्बन की +4 होती है। CH3 COOH की बात करो तो CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो इसकी +1 -1 -2 +1, पर यहाँ CC से जुड़ा 0, तो इसमें क्या हो जाएगी +3 हो जाएगी। देखो कैसे +3 हो जाएगी, CH इस तरह से जुड़ा होगा ना, CHHH C डबल बॉन्ड OOH, इसको जोड़ेंगे तो ऑक्सीजन से जुड़ा है तो ऑक्सीजन को -1 मिलेगा, इसको +1, यहाँ ऑक्सीजन से जुड़ा है ऑक्सीजन को -2 मिलेगा, इसको यहाँ +2, या कार्बन से जुड़ा है तो 0-0, तो ये ओवरऑल कितना हो गया +3, तो यहाँ कार्बन की कितनी होगी +3 होगी। इस वाले कार्बन की देखूंगा तो इस वाले कार्बन की कितनी हो जाएगी -3, क्योंकि -1 -1 -1 +1 +1 +1, क्योंकि कार्बन से हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो इसकी इस एक कार्बन इसमें -3 है, एक कार्बन इसमें +3 है, इसमें दोनों -2 है, इसमें +4 है, तो सबसे ज्यादा है तो CO2 ही हो जाएगी। बात करूं CH3 CH2OH में, एल्कोहल में CH3 CHHOH, तो ऑक्सीजन से जोड़ूंगा तो -1 +1, इससे जोड़ूंगा तो +1 हाइड्रोजन को -1, इसको +1 हाइड्रोजन को -1, इसको, और कार्बन कार्बन की 0, तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी मेरी -1 आ जाएगी। तो अगर मैं इसका ऑर्डर बताऊँ तो सबसे कम तो -2 इसमें है, तो सबसे कम पहले कौन सा आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, उससे ज्यादा किसमें है, उससे ज्यादा है एल्कोहल में, -2 थी इसमें, फिर इसमें एल्कोहल में कितनी है -1 CH3 CH2OH। ठीक है, भले ही इसमें -3 है, इसमें CH3 COH में एक, पर इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप की अगर मैं पूछूं, फंक्शनल ग्रुप की बात करूं तो इसमें +3 भी तो प्रेजेंट है, तो इसके बाद क्या आ जाएगा CH3 COH और उसके बाद क्या आ जाएगा CO2। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर, और ये ऑर्डर है हमारा ऑप्शन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आओ बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 50 की। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या पूछ रहा है वो, क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन विल रिएक्ट मोस्ट रेडली विद HBr, HBr से कौन सी एल्कीन जल्दी रिएक्ट करेगी। ठीक है, HBr जनरली, ठीक है, कौन सी रिएक्शन जल्दी रिएक्ट करेगी, HBr मतलब एडिशन ऑफ HBr है, सिंपली HBr दिया है तो मतलब मार्कोनिकोफ रिएक्शन है। ठीक है, एल्कीन और इसकी रिएक्शन HBr से दी है तो सिंपली सी मार्कोनिकोफ रिएक्शन है, मार्कोनिकोफ रिएक्शन। ठीक है, और मार्कोनिकोफ्स रिएक्शन है मतलब कि सिंपली किसका कौन सा, कि जिधर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन या मोर स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म होगा उस पर ज्यादा ब्रोमीन लगेगा, तो जहां जिसमें मोर स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा होगा वही HBr से जल्दी रिएक्शन करेगी। तो पहले क्या है CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, ये मोर स्टेबल एल्कीन जो जितनी ज्यादा है, या बोल दूं इस तरीके से भी बोलता हूँ, जितनी ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी उतनी जल्दी क्या होगी, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन रिएक्ट फास्टर विद HBr इन मार्कोनिकोफ,
इन मार्कोनी कोव्स। तो इसमें सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कौन सी है, हमारी एल्कीन ए है। CH3 का होल बाय CH2 ये तो बिल्कुल अनसब्स्टिट्यूटेड है, इससे तो स्लो होगा। ये हमारा ऑप्शन सी, ये थर्ड पॉइंट था, ऑप्शन ए है। तो ये ऑप्शन 50 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि जितनी ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी उतना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा और उतनी ही ज्यादा क्या देगा, हमें मार्कोनी कोव रिएक्शन देगा। तो यहाँ तक हमारे 50 क्वेश्चन पूरे हो गए।